सिंपली ऐसे चमक आए आपकी स्किन पर। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, कुछ दिनों से मेरी वीडियो पर हर वीडियो पर ये कमेंट आ रहा था कि भाई कोरियन स्किन पर वीडियो बनाओ, भाई कोरियन स्किन पर वीडियो बनाओ, भाई कोरियन स्किन पर वीडियो बनाओ। सो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर होने वाला है कि आप कोरियन लोगों जैसी स्किन कैसे पा सकते हो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको भी अपने किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए ग्रूमिंग लाइफस्टाइल फैशन से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हो, वहां पर आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जो कोरियन स्किन टाइप होती है, जो कोरियन लोगों की स्किन होती है, हम बिल्कुल वैसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रॉपर क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। वहाँ का क्लाइमेट अलग है, हमारे इंडिया का क्लाइमेट अलग है। बट आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते होगे वो मुझे बिल्कुल पता है। आप चाहते होगे आपकी स्किन बिल्कुल उनके तरह ग्लॉसी हो जाए, क्लियर हो जाए और आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा उनकी तरह ग्लोइंग हो जाए, स्मूथ हो जाए, ताकि आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगे। सो आई होप आप भी यही चीज़ें चाहते होगे उनकी स्किन में से। सो ऐसी स्किन आपको कैसे करनी है वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहला काम जो इसके लिए आपको करना है, वो सबसे पहली चीज़ आपको लेनी है स्टीम। जी हाँ, आपके पास स्टीमर है, बेस्ट है। स्टीमर नहीं है, आप किसी भी यूटेंसिल में पानी बॉइल करके उसके बाद आप किसी भी टॉवर की मदद से आप स्टीम ले सकते हैं। आपको स्टीम कब लेनी है, आप 2 वीक्स में एक बार ले सकते हैं या 1 वीक में एक बार भी लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टीम लेने से क्या होता है, स्टीम लेने से जो हमारा फेस होता है उसके पोर्स सारे के सारे खुल जाते हैं, जितना भी डर्ट वगैरह रहता है सबसे पहली चीज़ वो निकलती है। आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है, सारी इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो खत्म हो जाती है आपकी स्किन से और स्किन आपकी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। आप मेरी स्किन देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्मूथ आपको दिखने में ही पता चल रही होगी और सच में ये स्मूथ है भी। सो यही चीज़ है कि मैं स्टीम लेता हूँ 2 वीक्स में एक बार, आप भी ले सकते हो। देन जो सेकंड चीज़ इसके लिए चाहिए होगी वो आपको चाहिए होगी पिंपल फ्री स्किन, आपके डार्क स्पॉट फ्री स्किन, जो पिंपल के बाद आपके स्पॉट्स हो जाते हैं यानी कि डार्क स्पॉट, वो आपकी स्किन पर नहीं होने चाहिए। यानी कि आपकी स्किन एकदम क्लियर होनी चाहिए, उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इन सभी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा कैसे पाना है, पिंपल और डार्क स्पॉट बहुत बड़े बड़े दो टॉपिक है, इन पर सेपरेट वीडियो बनाया है, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा इन दोनों वीडियो का, आप चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोनों पर सेपरेट वीडियो बनाया, अच्छे से समझ आ जाएगा, दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, उसके बाद आपकी स्किन एकदम क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे पिंपल फ्री स्पॉट फ्री स्किन। जो नेक्स्ट काम आपको करना है, आपको सारी की सारी अपनी जो फेयरनेस क्रीमें हैं वो आपको फेंक देनी है। फेंकने से इन द सेंस कि आपको इन्हें लगाना बिल्कुल छोड़ देना, जितनी भी आपकी इंस्टेंट फेयरनेस क्रीम वगैरह होते हैं ये आपकी स्किन पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी देती है और आपको इंस्टेंट फेयर करती है, फिर थोड़ी देर बाद आपकी शक्ल पहले से भी बुरी होने लग जाती है। सो इसीलिए आपको सबसे पहले ये छोड़नी है। उसके बाद जो नेक्स्ट काम आपको करना है, आपको अपने डाइट में क्या ऐड करना है, आपको अपने डाइट में फ्रूट्स ऐड करने हैं, ग्रीनली ऐड करनी है, ओमेगा 3 वाली चीज़ें ज़्यादा आपको खानी है ताकि आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाए, वो उस पर ग्लो काफ़ी ज़्यादा है, सिंपली ऐसे चमक आए आपकी स्किन पर। सो ये आपको करना है। एंड देन जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो ये होने वाला है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट अगर चाहिए, आपको स्किन एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की स्किन चाहिए, सो आपको क्या करना है, आपको चाहिए होगा उसके लिए एक फिश ऑयल, आपको उसके लिए एक फिश ऑयल चाहिए होगा। जी हाँ, फिश ऑयल के कैप्सूल आप रात में सोने से पहले खा सकते हो, वैसे तो आप कभी भी इसे इंटेक कर सकते हो, बट रात में इंटेक करोगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आते हैं। आपको ये डेली इंटेक करनी है रात में सोने से पहले, आपकी स्किन क्वालिटी, आपकी हेयर क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाएगी, जैसे आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की स्किन देखते हो ना कैसे वो शाइन करती है और कितना ज़्यादा ग्लोइंग होती है, स्मूथ होती है, सो आपकी स्किन कुछ वैसी उस तरीके की होने लग जाएगी। आप अगर इसे इंटेक करना शुरू करोगे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी साइड इफेक्ट इनका नहीं होता। एंड कुछ फिश ऑयल्स के लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, आप चाहे तो वहां से परचेज कर सकते हैं। सो बस गाइस, इतना था आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।